वज़ीर आज़म के नुमाइंदे खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी का आज पूरे मुल्क में यौम फ़लस्तीन मनाने का ऐलान। इस्लामाबाद में मकबूज़ा बैतुल मक़द्दस में इसराइली जारियत के खिलाफ फैसल मस्जिद के बाहर मुजाहरा। क्वेटा में भी अलमदार रोड पर फ़लस्तीन की हिमायत में एहतजाज। अमरीकी डेमोक्रेट मुस्लिम खातून रुकने कांग्रेस रशीदा तलेब गजा की सूरत हाल पर आप दीदा, कहा गजा के ईमान ने बच्चों को अपने साथ सुलाया ताकि इसराइली हमले में मरे तो सब मरे, एक दूसरे का गम सहने वाला कोई ना बचे। इसराइल के लिए अमरीकी इमदाद इंसानी हकूक की पासदारी से मशरूत करने का मुतालबा। इल्हान उमर ने कहा इंसानियत के खिलाफ इसराइली जराइम और हमलों पर कई अमरीकी अराकीन कांग्रेस पर्दे डालते हैं, हमलों की भरपूर मजम्मत की बजाय इसराइल को दिफा का हक करार देते हैं। पाकिस्तान में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मज़ीद 48 अफराद इंतकाल कर गए, मज़ीद 2517 अफराद में कोरोना वायरस की नज़दीक। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 30,700 टेस्ट किए गए, मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8% रही। मुल्तान में 74%, लाहौर में 58, पेशावर और बहावलपुर में 40-40% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज हैं। गुजरावाला में 69%, मुल्तान में 51, स्वाबी में 46, जबकि बहावलपुर में 42% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज मौजूद हैं। सूबे सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल ईद की छुट्टियों के दौरान भी जारी। कोरोना से बचाव की दोनों वैक्सीन लगवाने वालों को इंडोर मास्क पहनना लाजमी नहीं, अमरीकी सेहत के इदारे सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की हिदायत जारी। वैक्सीन लगवाने वालों को रश वाले मकामात, जहाज, बस, रेल के सफर, एयरपोर्ट्स, अस्पताल, बस स्टेशन पर मास्क पहनना होगा। कमजोर कुव्वते मुदाफियत रखने वाले मास्क का इस्तेमाल छोड़ने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। अमरीकी सदर का CDC के ऐलान का खैर मकदम अजीम दिन करार दे दिया। वफाकी काबीना की तरफ से नून लीग के सदर का नाम ECL में डालने की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन आज जारी होने का इम्कान। वफाकी वजीर इत्तला फवाद चौधरी की ईद के रोज़ शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की तरदीद। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने का अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि काबीना कमेटी ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने की सिफारिश की है। काबीना कमेटी की सिफारिश पर मामूल के तरीक़ाकार के मुताबिक अमल दरामद होगा। और न्यूजीलैंड की वजीर आजम जसिंडा आर्डन का दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईद का पैगाम, कहा इस साल वबा की वजह से दुनिया भर के लोगों को चैलेंजेस का सामना है।